आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं हर यूट्यूबर के लिए पांच ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो ये यूट्यूबर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके मोबाइल में ये पांच एप्लीकेशन जरूर होना चाहिए। हे नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मोरे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टिप्स। आज की इस वीडियो में जानूंगा, हम लोग जानेंगे पांच ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो हर एक यूट्यूबर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। ये एप्लीकेशन क्या, कौन सा है और इसे एप्लीकेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो पांच एप्लीकेशन है ये सभी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहले मैं बात करूंगा एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो हमारे मोबाइल वीडियो के थंबनेल बनाने के लिए काम आता है। दोस्तों इसमें आपको मिलेगा दो एप्लीकेशन जिसका नाम है, एक का नाम है पिकआर्ट, एक का नाम है कैनवा। दोस्तों पिकआर्ट में ये होता है कि हमें सब कुछ बनाना पड़ता है, हर एक चीज़ एक छोटी छोटी चीज़ें बनाना पड़ता है। जो कैनवा एप्लीकेशन है इसके अंदर आपको पहले ही सब कुछ बनाए मिलेगा, आपको बहुत थोड़ा मोड़ा इधर उधर करना होता है। तो आज हम जानेंगे कैनवा पर, इस सारे पाँच एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैनवा। कैनवा क्या है? दोस्तों कैनवा एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि हमें सब कुछ दे जाता है। यदि हम चाहें तो फेसबुक के लिए कवर बना सकते हैं, फेसबुक के लिए या फिर यूट्यूब, ट्विटर, मतलब इंस्टाग्राम, हर चीज़ के लिए बना सकते हैं। यहाँ तक कि यूट्यूब वीडियो के लिए कोई भी थंबनेल बना चाहे तो हम इस एप्लीकेशन की मदद से बना सकते हैं। बहुत चलिए यहाँ से हमने कैनवा को ओपन किया, यहाँ देख सकते हैं सब कुछ हमारे सामने खुलकर आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको लिखा हुआ है कि आपको किस कैटेगरी का चाहिए, आपको कौन सा किस चीज़ में आपको थंबनेल बनाना है या फिर फोटो या फिर कोई भी चीज़ पोस्टर बनाना है, आपको कैसे। चलिए हम देख लेते हैं यूट्यूब के वीडियो के थंबनेल बनाने के लिए थंबनेल कैसे हम बना सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं नीचे वहाँ पे हम क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं सब कुछ हमारे सामने खुलकर आ गया है कि हमारा किस तरह है, आपका कुकिंग का है, स्पोर्ट का है, कोई सोशल नेटवर्किंग साइट का है या फिर देख सकते हैं। यहाँ पे एक चित्र पे मैंने क्लिक किया, यहाँ देखिए ये पिक खुल गया और इस पर देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। यदि हम इसे चाहे तो इसे हम एडिट कर सकते हैं, उसका कलर चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं, इसकी साइज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। यदि हम कोई अलग से फोटो लगाना चाहे तो हम उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस हिसाब से चाहे इसको हम ऐड करते एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, उसको बड़ा छोटा मोटा पतला जैसे भी चाहे उस चीज़ को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यह जो कैनवा है इसका भी आप यूज कर सकते हैं थंबनेल बनाने के लिए। बहुत ही अमेजिंग है, आपको समय बहुत ही कम लगेगा इसको यदि थंबनेल बनाना चाहिए। यहाँ पर आपको हर कैटेगरी का थंबनेल मिल जाएगा देखने को। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हर एक चीज़ को बना सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक मैंने पहले का बना कर रखा हुआ था, यहाँ पर मैं इसको दिखा देता हूँ इसको आप कैसे बना सकते हैं। देखिए एक पहले जो मैंने इसको ट्राई किया था वहाँ पर देखिए मैंने इसको बना कर रखा हुआ था। इस तरह से आप चाहें तो हर भी किसी भी चीज़ को यहाँ पर अलग से आप ऐड कर सकते हैं, किसी चीज़ का कलर हटा सकते हैं, किसी चीज़ को मोड़ा मैंने आपको जो बताया सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग होता है इससे बना, और जिसमें जो बनता है वो भी फुल HD में उसको सेव आप कर सकते हैं, इसकी साइज को घटा बढ़ा नहीं सकते। यदि आप यूज करते हैं पिकआर्ट का यूज करते हैं तो उसमें आपको साइज देना पड़ता है कि आपका थंबनेल का साइज क्या दिया, बड़ा छोटा हो गया तो बाद में वो हमको बहुत दिक्कत करती है। चलिए बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन का। सेकंड एप्लीकेशन है लेजेंड। तो लेजेंड के बारे में सभी लोग पता है, किसी को नहीं पता है तो यह बनाता है आउटर और इंट्रो। यदि आप चाहें तो अपने वीडियो के लिए आउटर बना सकते हैं, इंट्रो बना सकते हैं, बहुत अमेजिंग बनता है, बहुत ही आसानी से बन सकता है। चलिए हाँ मैं आपको बना कर दिखाता हूँ किस तरह से बना सकते हैं। पहले सिंपली आपको वहाँ पर कोई जो भी वर्ड आप लिखना चाहते हैं उसको लिख दीजिए, वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसके साइज को चेंज कर सकते हैं, उसके फंड को चेंज कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, उसकी जो वीडियो की जो डिज़ाइन होती है उसे आप चेंज कर सकते हैं। आप इसे बहुत ही अलग अलग तरह से बना सकते हैं, इसमें आप वीडियो का इंट्रो और आउट्रो बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इससे वीडियो बनाना बहुत ही आसान रहता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो बनाने में कुछ भी नहीं पता है तब भी इंट्रो और आउट्रो आप लेजेंड से बना सकते हैं, बहुत ही कमाल का ये बनाता है इंट्रो और आउट्रो। इसको आप देख सकते हैं, इसको आप सेव करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक करके यहाँ पे आप इसको लैंडस्केप करके अपने हिसाब से आप यहाँ पे पिक्चर रख सकते हैं। पिक्चर रखने के बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे बना हुआ है एक डाउनलोडिंग का, उस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आप लेजेंड से बहुत आसानी से इंट्रो और आउट्रो बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ और नेक्स्ट एप्लीकेशन दिखाते हैं कि नेक्स्ट एप्लीकेशन मेरा क्या है। दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा है Y2Studio। Y2Studio दोस्तों क्या काम करता है? दोस्तों Y2Studio ये काम करता है कि यदि आपके आप एक यूट्यूबर हैं, आपके पास कोई भी लैपटॉप, PC, कंप्यूटर कुछ भी नहीं है तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से सारे काम कर सकते हैं अपने जो कि अथवा यूट्यूब के अंदर होता है। यदि आपके पास मोबाइल है, यदि आप क्रोम ब्राउजर के अंदर आप यदि डेस्कटॉप मोड खोलना चाहते हैं तो वहाँ पर डेस्कटॉप मोड नहीं खुलता है, उसके लिए आप अलग से कोई सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। लेकिन जो Y2Studio आपको बहुत चीज़ें प्रोवाइड करता है, यहाँ से आप पूरे दिन भर का पूरा अपना रेस्यू देख सकते हैं, आप कितना व्यू आया, आपको कितना इनकम हुआ, कितने लोगों ने आपको वीडियो को देखा, क्या कमेंट, क्या लाइक, आपको सब कुछ यहाँ तक कि अपने वीडियो के ऊपर थंबनेल भी यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर अपने चैनल अपने वीडियो को मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन कर सकते हैं, अपने कमेंट को बंद कर सकते हैं, चैनल को बहुत सी चीज़ें फंक्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है देखने के लिए। यहाँ पर वाइब मोड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप ओवरव्यू देख सकते हैं, रिव्यू देख सकते हैं, डिस्कवरी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। Y2Studio बहुत ही यूजफुल साबित होता है हर एक यूट्यूबर के लिए। आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको
वाई यूज करके देखना चाहिए। यह गूगल का एप्लीकेशन है, यूट्यूब का एप्लीकेशन है, ये ट्रस्टेड है, इसे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी दिखाता है पूरे रियल होता है, थोड़ा भी फेक नहीं होता है। इसका भी लिंक आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन दोस्तों, यहाँ जो आप मेरे मोबाइल पर जो आप यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, यह भी मैं यूज कर रहा हूँ A to Z स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। दोस्तों इसे रिकॉर्डिंग करना बहुत ही आसान है, इसे यदि आप कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो इसका जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसकी ऑडियो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी आती है। उसके बाद इसमें जो वॉइस जो हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो बहुत क्लियर रिकॉर्ड होती है। इसमें जो वीडियो होता है इसका आप पिक्सल बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर कोई भी वाटरमार्क नहीं आता है, इसे आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। यह एप्लीकेशन प्ले स्टोर भी आपको फ्री में मिल जाएगा। यही जो पांच एप्लीकेशन थे, यह एक यूट्यूबर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में बता जरूर दें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ घंटे का बटन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।